या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमः तशे नमः तशे नमः तशे नमो नमः। नमस्कार, कशिश न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम नवरात्र स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ, और इन पूरे 9 दिनों माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा आराधना हम करेंगे, विधि विधान आपको बताएंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अभय कृष्णा जी महाराज है। महाराज जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। बिल्कुल, और महाराज जी, माता रानी की आराधना हम कर रहे हैं, भक्त गणों को ये बता रहे हैं कि आखिर कैसे उन्हें पूजा की विधि संपन्न करनी चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फल मिल सके, लाभ मिल सके। और दूसरे दिन महाराज जी, चूंकि आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है, ऐसे में मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? बहुत अच्छा सवाल रश्मि बाबू आपने पूछा। ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म के समान आचरण करे उसे ही ब्रह्मचारिणी कहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी भी हिमालय की पुत्री मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी माता पार्वती की ही रूप मानी जाती है। पूरे जीवन, अपने जीवन काल में माता ब्रह्मचारिणी ने एक कुशल ब्रह्म के समान आचरण करते हुए पूरे जीवन भगवान शिव का ही पूजन पाठ की, और उनके ये स्वभाव और आचरण करने की भावना से ही माता ब्रह्मचारिणी का नाम माता ब्रह्मचारिणी पड़ा। यह हिमालय की पुत्री है, माता पार्वती के स्वरूप भी मानी जाती है। जी बिल्कुल महाराज जी, इसके साथ ही माता के स्वरूप की अगर हम बात करें तो वो भी जरा बताइए भक्त गणों को, और ये बताइए कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना कैसे की जाती है और आखिर क्यों की जाती है, इसका महत्व क्या है? माता ब्रह्मचारिणी जो है, हजार साल तक तपस्या कर भगवान शिव के पाने की इच्छा लेकर मन में पूरे 1000 वर्षों तक तपस्या की, केवल फल और फूल खाकर। 100 वर्षों तक केवल साग खाकर और जमीन पर सोकर तपस्या की। बिल्कुल सादगी की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी मानी जाती है। पति के स्वरूप में शिव को पाने के लिए कठिन से कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न करने पर मजबूर कर दी थी। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन पाठ करने से सर्व सिद्धि एवं विजय की प्रतीक मानी गई है। जो माता ब्रह्मचारिणी का पूजन पाठ अगर यथा मन से करता है, उनकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी होती है। एवं युद्ध में जाते समय या किसी भी बड़ा कार्य करने समय माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान अवश्य करें, इससे आपकी विजय की प्राप्ति निश्चित ही प्राप्त होगी। यानी अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, जैसा महाराज जी ने हमें बताया है। इसके साथ ही महाराज जी, मैं ये भी चाहूंगी कि जितने भी भक्तगण इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो ये जान सके कि आखिर इस दिन पूजा आराधना करने की विधि क्या है, कैसे वो पूजा संपन्न करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ उन्हें मिल सके, माता रानी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। खास करके माता ब्रह्मचारिणी का पूजन पाठ करते समय, जैसा कि मैं आपको प्रथम दिवस भी बताया था, माता ब्रह्मचारिणी के पूजा करते समय आपको विशेष अपने स्वच्छता पर, साफ सुथरा पर एवं स्नान कर ध्यान करके सब परिवार कुटुंब के साथ पूजन पाठ करना चाहिए, और श्वेत वस्त्र धारण करके ही पूजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी को सफेद वस्तु सबसे प्रिय है, तो सफेद वस्तु ही भोग में लगाएं। चमेली का पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय माना गया है माता ब्रह्मचारिणी के लिए, उस दिन खास करके चमेली का पुष्प जरूर चढ़ाएं,
चमेली का पुष्प अगर संभव हो तो माला पहनाए, उस दिन चमेली का पुष्प का प्रयोग पूजन में अवश्य करें, चावल का प्रयोग अवश्य करें एवं चावल से बना हुआ किसी तरह का पदार्थ बने वो भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे माता ब्रह्मचारिणी काफी ज्यादा प्रसन्नचित होती है। बिल्कुल महाराज जी, इसके साथ ही एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, चूंकि आप पूजा की विधि बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे भक्त माता को खुश कर सकते हैं, तो एक छोटा सवाल मेरा ये कि आखिर वो मंत्र कौन से होंगे ताकि जो भक्तगण है वो आसानी से उस मंत्रोच्चार को कर सके, उन्हें कोई कष्ट ना हो, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत के जो आम लोग नहीं बोल पाते हैं, तो एक ऐसा आसान सा मंत्र जो भक्तगण कर सकते हैं माता की पूजा में, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए। देखिए, माँ का पूजा केवल आपके मुख से माँ ही शब्द का उच्चारण हो जाए, यही उनका सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है जी। संस्कृत में उच्चारण करने आए नहीं आए, हिंदी में उच्चारण करने आए नहीं आए, कहा जाता है कि पूजा के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अज्ञानी भी पूजा करके सबसे बड़ा माँ का या सभी देवी देवता का प्रिय बन जाता है। इसलिए आपको मंत्र की किसी विशेष प्रमुखता नहीं है पूजन पाठ में, श्रद्धा और भाव का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आप जितना भी समय पूजन पाठ करें अपने हृदय और श्रद्धा भाव से पूजन करें, आप कोई मंत्र का भी अगर उच्चारण नहीं करते हैं, माता आप पर अपनी कृपा अवश्य ही पुत्र की भांति फैलाएंगी। और कहा गया है कि कभी भी माँ का पूजा करे तो सदैव यह ध्यान रहे कि आप माता का पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान अनुशासित रहें, अनुशासन का ध्यान विशेष तौर पर दें और माँ दुर्गा के पूजा के साथ साथ में अपना भी माता का पूजा अवश्य ही करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही आपने महाराज जी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी के पीछे की कथा क्या है और आरती माता रानी की आप कैसे कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी भक्त गणों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे हमें माता रानी की आराधना करनी चाहिए। महाराज जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है, माँ ने क्या कुछ धारण किया है और माँ की सवारी क्या है। ब्रह्मचारिणी का मतलब मैंने पहले ही बताया कि जो ब्रह्मचारी होता है, जो ब्रह्मचर्य को धारण किया हुआ है, तो वो किसी तरह के सवारी का प्रयोग कर ही नहीं सकता है। तो माता ब्रह्मचारिणी का सवारी चरणबद्ध है, यानी स्वयं का चरण ही उनका सवारी है। माता दाहिने हाथ में अक्षय माला एवं बाएं हाथ में कमंडल धारण की हुई है। माता की स्वरूप अति मनमोहक और सादगी की प्रतीक बन रही है। माता की मुख को देखने मात्र से ही संपूर्ण जीवन धन्य और कृत कृत हो जाता है। बिल्कुल, और महाराज जी साथ ही देखिए, कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं इस नवरात्र को लेकर, खासकर माँ ब्रह्मचारिणी के दिन की अगर हम बात करें तो महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन कुछ विशेष कन्याओं की पूजा की जाती है, तो चाहेंगे कि आप भक्तों को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कन्याएं कौन है जिनकी पूजा आज के दिन की जाती है। देखिए, नवरात्रि में मैंने कल भी आपको बताया था रश्मिबा जी कि नवरात्रि में कन्या तो रोज पूजा किया जाता है जी, एवं नवरात्रि में ही नहीं पूरे साल आप कन्या एवं अपने घर की हर नारी का सम्मान करें, पूजन पाठ करें, उसकी सम्मान और पूजन पाठ करने से आपके लक्ष्मी ऐश्वर्य सुख शांति की प्राप्ति होता है। लेकिन ब्रह्मचारिणी के दिन खासकर उस महिलाओं का पूजा करना चाहिए, उस कन्याओं का पूजन करना चाहिए जिनकी विवाह अभी तय हो चुका है, विवाह हुआ नहीं है जी। जिनकी विवाह तय हो चुका है उनकी विवाह, उनकी पूजन पाठ करने से, उनकी घर में बुलाकर उनकी भक्ति भाव से पूजा पाठ किया जाए अगर उस कन्या का, तो आपका मनोरथ यथाशीघ्र पूर्ण इसलिए हो सकता है क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी भी अपने पति को पाने के लिए, मैंने पहले बताया कि हजारों वर्षों तक तपस्या की भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो जो
कन्या का विवाह तय हो गया, अगर उसकी पूजा होती है, उसकी पूजन की जाए घर में, तो माता प्रसन्नचित होती है और आपका मनोरथ सिद्ध कर देती है। जी, यानी आज के दिन जिन कन्याओं का विवाह तय हो गया है उनकी विशेष पूजा करने का एक अलग महत्व बताया गया है। महाराज जी, पहले दिन आपने ये बताया कि इस बार माता का आगमन पालकी पर हुआ है, और जो दर्शक आज के दिन हमारे साथ जुड़े हैं, हम चाहेंगे उन्हें भी आप बताइए, क्योंकि पहले दिन भी आपने बताया कि इस बार माँ पालकी पर आ रही है, तो इसका क्या विशेष महत्व है, इसके साथ ही क्या शुभ संकेत है, क्या कुछ बातें हैं, ये भी जरा आज बताइए। इस बार माँ का आगमन पालकी पर हो रहा है, माँ आ तो पालकी पर रही हैं, और माँ इस नवरात्रि जाएंगी चरणबद्ध यानी स्वयं के चरण पे चलकर। शास्त्रों के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मान्यता है कि माँ जब पालकी पर सवार होकर आती है, यह शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। माँ का आना और जाना इस साल दोनों ही अशुभ माना जाएगा, क्योंकि माँ जब पालकी में आती है तो देश में बहुत बड़ी कोई महामारी आने का संकेत होता है, एवं मनुष्य के जीवन पर काफी ज्यादा परेशानी हो सकता है। यही माँ चैत नवरात्रि में अश्व पे आ रही है, गज पे जा रही है, वो काफी ज्यादा शुभ और लाभकारी होता है। इसलिए इस बार अधिक से अधिक पूजन पाठ करें, और इस नवरात्रि में अधिक से अधिक पूजन के साथ में मंत्र का ध्यान करें, माँ का ध्यान करें, और पूजन पाठ करने से सभी समस्याएं से मुक्ति मिल सकती है। तो पूरे देश के नागरिक को मैं आह्वान करूंगा कि आप जितना भी समय मिले आप पूजन पाठ करके, कि इस देश पर फिर पुनः महामारी ना आए, इससे हम लोग को मुक्ति मिले। इसलिए माँ का पूजन पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। चलिए, तो ये एक विशेष जानकारी हमें महाराज जी ने दी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम, आप और सभी भक्तगण मिलकर माता रानी की आरती करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभय कृष्णा जी महाराज हैं, उनसे हम जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर नवरात्र के 9 दिनों की क्या विशेष महत्व है और किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। महाराज जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी की जो भक्त पूजा करते हैं वे काफी दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, और उन्हीं चीजों से बचने के लिए, ताकि उन्हें सुख की प्राप्ति हो सके, जीवन में जो कष्ट है, परिवार में जो कष्ट है वो दूर हो सके, हट सके, इसके लिए वे माता की विशेष आराधना करते हैं, तो इसका क्या महत्व है और कैसे उन भक्तगणों को पूजा करनी चाहिए? मैंने पहले भी बताया आपको कि ब्रह्मचारिणी को पूजा करने के लिए माँ भी ब्रह्मचारिणी रूप में है। शास्त्र में आप लोग बार बार पढ़े होंगे कि ब्रह्म को आचरण रखने वाले को ही ब्रह्मचारिणी कहते हैं जी। तो खास करके ब्रह्मचारिणी माँ का पूजन करते समय सभी भक्तों को ब्रह्मचर्य रहने का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आपको खास करके ब्रह्मचारिणी के दिन ही नहीं, 9 दिन नवरात्रि में आपको त्याग करना चाहिए, हृदय को निर्मल और स्वच्छ रखना चाहिए। आप यहां माता का पूजन कर रहे हैं और आपका मन चल रहा है कि किसी को कैसे हम क्षति पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे, नहीं, वो पूजा आपका मान्य नहीं हो सकता है। तो उस समय में आपको जरूर ही कोशिश करना चाहिए कि ईर्ष्या की भावना को भूल जाना चाहिए, सभी भक्तों को एक दूसरे व्यक्ति से प्रेम करने लगना चाहिए, पूजा पाठ करने से पहले एक विश्वास कायम करना चाहिए, मन में एक विश्वास लेकर मां का पूजन करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो संपूर्ण परिवार के साथ पूजन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हो कि पति पूजन कर रहे हैं और पत्नी घर में सो रही है, तो पूजन कहां से हो सकता है, वो पूजन का महत्व का लाभ कहां से मिल सकता है। इसलिए अगर आपको पूजन करना है, आप वैवाहिक जीवन में है तो पति पत्नी एवं बच्चे हैं तो साथ में पूजन अवश्य करना चाहिए, और अधिक से अधिक साधना, त्याग एवं स्वच्छता
परिपूर्णता और आत्मविश्वास मन का मलिनता को दूर करते हुए श्रद्धा और भक्ति को अपने अंदर में भरते हुए एक अच्छे विचार लेकर और जन कल्याण की भावना लेकर कभी भी पूजन पाठ में अपने कल्याण की कामना नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कल्याण लेकर कोई कार्य करता है तो भगवान के भी मन में होता है कि ये तो स्वार्थी है, केवल अपना कल्याण के बारे में ही सोचता है। ऐसा नहीं हो सकता है। आप कभी भी किसी भगवान देवी देवता का पूजन करें, आप सर्वजन कल्याण की इच्छा करके पूजन पाठ करना चाहिए। और जो व्यक्ति अगर दूसरे की कल्याण की कामना करता है, भगवान उसका स्वतः कल्याण करते हैं और सबसे पहले उसका कल्याण हो जाता है जी। एवं पूजन पाठ करने के बाद आपके मन में विचार होना चाहिए कि अगर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अगर माँ का कृपा से हमारे घर में धन लक्ष्मी की ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तो उस धन लक्ष्मी से हम जन कल्याण भी करें, जीव जंतु को भी रक्षा करें और जरूरतमंदों को सदैव ही हर तरह से हर संभव मदद की भावना रखनी चाहिए जी। पूजन के दौरान आपको कोशिश करें कि पति सफेद वस्त्र पहन लें, क्योंकि विवाहित स्त्री है तो सफेद वस्त्र को थोड़ा हम लोग निषेध मानते हैं, तो उस समय में वो सफेद से मिलता जुलता कलर या आप पिंक कलर पहन के माँ का पूजन करें। चीनी का भोग लगाएं, चावल का भोग लगाएं, चावल से बना हुआ खीर का भोग लगाएं, चमेली का पुष्प मैंने पहले भी बताया अवश्य चढ़ाएं, एवं चमेली के साथ में अगर सफेद कमल का पुष्प मिलता है तो क्योंकि माँ का वो बायां हाथ में हमेशा ही हर माँ का पुष्प सुशोभित होता है, तो अगर आपके पास कमल के पुष्प अगर मिल जाए तो अवश्य ही कमल का पुष्प चढ़ाएं। और अगर 108 कमल का पुष्प मिले तो आप 108 कमल से माँ का 108 नाम लेते हुए माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित अगर करते हैं तो मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस मनोकामना लेकर आप माँ का पूजन करेंगे आपका मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा, लेकिन 108 कमल अवश्य होना चाहिए। तो कैसे माँ की पूजा करनी चाहिए, कैसे माता रानी की आराधना करनी चाहिए, ये महाराज जी ने हमें बताया है। और किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए ये भी आप सभी भक्तगण अब जान चुके हैं। तो चलिए अब आप, हम और यहाँ मौजूद सभी भक्तगण मिलकर माता रानी की, माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे का परवाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से बलशाली, हे दस भुजाओ वाले दुष्टों को पल में संगारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, देर जगत के भक्त जनन पर भीण पड़ी है भारी, भीण पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से बलशाली, हे दस भुजाओ वाले
दोस्तों को पल में संगारती हो मैया, हम सब उतारे तेरे माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बड़ा ही सुंदर नाता। पूत कपूत सुने हैं जग में, पूत कपूत सुने हैं जग में, माता नहीं कुमाता सबके बिगड़ी बनाने वाले, लाज बचाने वाले, सतियों को सत के सावारती हो मैया, हम सब उतारे तेरे आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काले, जय दुर्गे कप्पर वाले, तेरे ही गुड़ गावे बारती हो मैया, हम सब उतारे तेरे आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए माँ दुर्गे की जय, बोलिए शेरा वाली की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, और आप सभी का भी हमारे साथ आरती में जुड़ने के लिए और इस माहौल को और भी ज्यादा भक्तिमय बनाने के लिए। अगले 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूप की चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, पूजा की विधि क्या है, विधान क्या है और इसका महत्व क्या है ये आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य अभय कृष्णा जी महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी भक्तों का भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए कशिश न्यूज और बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।